हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका और हमारा यूट्यूब चैनल जॉब सर्च पर। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बताने वाला हूँ इंडियन एयर रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन रिसेंटली जारी किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहे, मैं आपको एक एक करके पूरे जानकारी देने वाला हूँ। पर फ्रेंड, उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने तरफ से एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जानकारी उन सब लोग तक पहुँच जाए जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड, देख लेते हैं आप पूरे जानकारी। फ्रेंड, ए पोस्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में निकली है। फ्रेंड, इस फॉर्म को मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। अगर आप 12th डिग्री ग्रेजुएट बीई बीटेक बीएससी एमबीए कंप्लीट किया है तो तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे भी आप जिस भी स्टेट में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पोस्ट के बारे में फुल डिटेल्स फिर से एक बार पढ़ लीजिए। फ्रेंड, आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा 25,000 से 1,25,000 तक। फ्रेंड, पहला जो पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 8 है टोटल वैकेंसी। और इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएट पास, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेटिव ट्रेड में। उसके साथ आपका एज 30 साल के अंदर होना चाहिए। और पर मंथ सैलरी आपको दिया जाएगा 28,000 पर मंथ सैलरी आपको दिया जाएगा। फ्रेंड, ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट है, आप फिर से एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके फिर से एक बार रीड कर लीजिए। फ्रेंड, आप बात करेंगे एस पर छूट मिलेगा, इसका छूट के बारे में आप बात करेंगे। फ्रेंड, एस पर छूट मिलेगा, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एस पर छूट मिलेगा, और जो कैंडिडेट एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उसको 3 साल का छूट मिलेगा। फ्रेंड, इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑल एलिजिबल कैंडिडेट। 21 साल से 50 साल के अंदर एज होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, सिलेक्शन होगा 3 स्टेप पर। पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। इस तीनों स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फ्रेंड, इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं? इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन पे भरना होगा। ऑफलाइन इस फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उस लिंक से क्लिक करके आप इस फॉर्म को पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। फॉर्म को फिल करने के बाद फ्रेंड, इस एड्रेस पर इस फॉर्म को आपको बाय पोस्ट द्वारा भेजना होगा जनवरी मंथ का 30 तारीख के पहले। फ्रेंड, अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। फ्रेंड, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फीस देना होगा 500 रुपया, और जो कैंडिडेट एससी एसटी एक सर्विसमैन है उसको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना होगा। एप्लीकेशन फीस आपको पे करने होगा DDD यानी डिमांड ड्राफ्ट के मदद से आपको एप्लीकेशन फीस पे करने होगा। फ्रेंड, फॉर्म भेजने का लास्ट डेट जनवरी मंथ का 30 तारीख तक। इसके अंदर यानी इसके पहले आपको जो एड्रेस दिया जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर, उस एड्रेस पर इस फॉर्म को फिल करके भेजना होगा। फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। साथों साथ अगर दोस्त आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस पर गवर्नमेंट जॉब का न्यूज़ अपडेट करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।